आज प्रदेश के अंदर 32 लाख महिलाएं जो आज इंतजार कर रही हैं 1500 रुपए का, कि जल्दी ही उनके खाते में ये धनराशि डालें, अन्यथा महिलाएं जो है वो इस बात के लिए मजबूर होंगी कि वो सड़क पर उतरें और कांग्रेस के विरोध में। हिमाचल प्रदेश के अंदर 8 महीने पूर्व जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस के लोगों ने कहा था, कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि हम सरकार बनने पर पहले दिन ही महिलाओं को जो है वो 1500 रुपये देने का जो है वो आदेश जारी करेंगे, जिसके कारण महिलाओं ने कांग्रेस के पक्ष में अधिकतर जो है वो वोटें डाली। लेकिन 8 महीने का समय बीत गया, आज प्रदेश के अंदर 32 लाख महिलाएं जो आज इंतज़ार कर रही हैं 1500 रुपए का, अगर 8 महीने में 12000 रुपये जो है उनके खाते में कब पड़ते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जल्दी ही उनके खाते में ये धनराशि डालें, अन्यथा महिलाएं जो है वो इस बात के लिए मजबूर होंगी कि वो सड़क पर उतरें और कांग्रेस के विरोध में ये आंदोलन खड़ा करें, क्योंकि खाली महिलाएं ही नहीं, आज नौजवान भी इसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। आज 5 लाख नौजवानों को कहा था कि हम सरकारी क्षेत्र के अंदर जो है रोजगार देंगे, 8 महीने बीतने जा रहे हैं तो कम से कम 70-80 हज़ार नौजवानों को अब तक जो है वो रोज़गार मिलना चाहिए था। इसी तरह किसानों के मामले में, इसी तरह से कांग्रेस के लोगों ने जो गारंटियाँ और भी गारंटियाँ जो थी वो इस प्रदेश के भोले भाले लोगों को दी थी, आज उनको जो है वो पूरी करें, नहीं तो जनता जो है वो जल्दी आंदोलन करके सड़कों पर उतरने वाली।